नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनोप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई IRDP स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में देखेंगे। लेट्स बिगिन। हमने इस स्कीम को दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन है जो स्टूडेंट से बिलोंग करता है और दूसरा सेक्शन है जो इंस्टीट्यूट्स, स्कूल और कॉलेजेस से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट वाले सेक्शन में हम कौन कौन सी क्वेरीज क्लियर करेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर IRDP स्कॉलरशिप स्कीम, स्कॉलरशिप अमाउंट कितना होगा अगर विद्यार्थी इस स्कीम के थ्रू अप्लाई करते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को देने होंगे अगर उन्हें इस स्कीम से अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट से रिलेटेड। और दूसरा सेक्शन है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देखना है, स्टूडेंट्स की पेई आईडी कैसे क्रिएट करनी है, और IRDP स्कॉलरशिप स्कीम का बजट डिमांड कैसे बनाना है। ये सारी चीजें हम देखेंगे इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन में। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टूडेंट वाला सेक्शन कवर करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP स्कॉलरशिप स्कीम एंड व्हाट इज IRDP स्कॉलरशिप स्कीम, तो ये क्लियर कर लेते हैं पहले हम। IRDP फैमिलीज के जो विद्यार्थी सरकारी इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। और इस स्कीम का क्या उद्देश्य है? इस स्कीम का ये उद्देश्य है कि जो IRDP फैमिलीज से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि उन फैमिलीज के बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। ये इस स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर IRDP स्कॉलरशिप स्कीम। अगर स्टूडेंट्स ने इस स्कीम के थ्रू अप्लाई करना है तो क्या क्या कंडीशन है, ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो बच्चा IRDP फैमिली से बिलोंग करता होना चाहिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ता होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो सेम क्लास में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता है IRDP स्कीम के अंडर। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई बच्चा IRDP स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो अन्य किसी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये तीन मेजर कंडीशन हैं अगर आपने IRDP स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट ये है कि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, या पेरेंट्स के दिमाग में भी क्वेश्चन होता है कि कितना स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा अगर स्टूडेंट्स इस स्कीम के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो इस स्कीम के थ्रू जो भी अमाउंट मिलता है वो ईयरली बेसिस पे होता है, वार्षिक अमाउंट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बच्चों के लिए क्या क्या अमाउंट अवेलेबल है। कुछ एक क्लासेस में बॉयज और गर्ल का सेम है, कुछ एक में डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए बॉयज और गर्ल के लिए 150 रुपीज है ईयरली। सिक्स टू एट क्लासेस के लिए बॉयज के लिए 250 रुपीज और गर्ल्स के लिए 500 रुपीज। 9th टू 10th क्लासेस के लिए 300 रुपीज बॉयज के लिए और 600 रुपीज गर्ल्स के लिए। 11th और 12th क्लासेस में 800 फॉर बॉयज एंड गर्ल बोथ। जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके लिए 1200 बॉयज एंड गर्ल बोथ, और जो बच्चे कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं और जिन्होंने हॉस्टल भी रखा हुआ है उनके लिए 1200 प्लस 1200 2400। तो ये अमाउंट स्टूडेंट्स को मिलेगा अगर वो IRDP स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने 6 to 8 वाला हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 250 रुपीज बॉयज को मिलेंगे और 500 रुपीज गर्ल्स को मिलेंगे ईयरली बेसिस पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने IRDP स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है IRDP सर्टिफिकेट, वो वैलिड होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। सेकंड है बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी, तो बैंक अकाउंट आपने वही देना है जो ऑपरेटिव हो और आधार कार्ड से लिंक हो। थर्ड है आपका आधार कार्ड। तो ये तीन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे अगर आपने IRDP स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है। और कौन कौन सा डाटा चाहिए होगा इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, जैसे हमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और पेई आईडी इंस्टीट्यूट जनरेट करेगा स्टूडेंट को, इसके बारे में बॉदर होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और कम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हम देखेंगे वो है इंस्टीट्यूट वाला सेक्शन, कि इंस्टीट्यूट को ये एक्सरसाइज कैसे एग्जीक्यूट करनी है। तो सबसे पहले है कि पेई आईडी क्या है और इसको कैसे क्रिएट करना है। तो पेई आईडी उस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाएगी जिस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट पढ़ता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस। टू क्रिएट ए पेई आईडी इंस्टीट्यूट नीड्स स्टूडेंट डिटेल एंड स्टूडेंट बैंक डिटेल। पेई आईडी जनरेट करने के बाद स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो उनके बैंक
में डायरेक्टली आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पे आईडी फॉर आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम। हम स्कूल्स की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर स्कूल के थ्रू कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो स्कूल में पे आईडी कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में सर्च करना है ई सैलरी हिमकोश, जो सैलरी वाला हमारा पोर्टल है हिमकोश, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद हिमकोश वाला फर्स्ट पेज खुल जाएगा, होम पेज खुल जाएगा, वहां पे आपको लॉगिन डिटेल के लिए पूछा जा रहा होगा। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड बॉर्डर के अंदर। तो हमें सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को अपने क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा हिमकोश के अंदर। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपने टॉप नेविगेशन बार है वहाँ पे डीडीओ मेनू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। डीडीओ मेनू वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनूज ओपन हो जाएंगे। इन ड्रॉप डाउन मेनूज में आपने रजिस्टर अदर पे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी जैसी स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको जो आपने पहले स्टूडेंट रजिस्टर किए होंगे उनकी डिटेल शो हो जाएगी और साथ में इंसर्ट न्यू पे का ऑप्शन आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा। तो आपने जिस भी बच्चे की पे आईडी बनानी है आपने उस बच्चे की डिटेल यहाँ पे डालनी है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। पे नेम में बच्चे का नेम आएगा, एड्रेस में एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा बच्चे का, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ये नीचे वाली चीजें मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो स्कूल के थ्रू आप जितने भी बच्चे रजिस्टर करेंगे उनकी पे आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी आईडी वाले कॉलम के अंडर। अब आप पे आईडी जनरेट करने के बाद हिमकोश वाले पोर्टल को लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद फिर से आप होम पेज पे पहुँच जाएंगे। तो ये प्रोसेस थी आपकी कि हाउ टू जनरेट पे आईडी फॉर आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट है कि बजट डिमांड भेजनी है अगर आपने आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए तो कैसे भेजनी है और कैसे बनानी है वो बजट डिमांड। यू नीड टू क्रिएट ए एक्सेल शीट विद स्टूडेंट डिटेल एज पर रिक्वायरमेंट गिवन बाय द डिपार्टमेंट। आपको बजट डिमांड बनानी है वो एक्सेल शीट पे बनानी है, एक्सेल पे ही वो वैलिड मानी जाएगी, बाकी कोई भी फॉर्मेट मान्य नहीं होगा। लेट्स बिगिन। ये एक्सेल शीट है, यहाँ पे टॉप में आपने टाइटल लिख देना है आईआरडीपी स्कॉलरशिप फॉर 6 to 8 स्टूडेंट और अपने स्कूल का नाम। ये कॉलम रहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कॉलम बना देने हैं आपने। मैं इस एक्सेल शीट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 6 to 8 क्लासेस के लिए डाटा कलेक्ट करने का फॉर्म बनाया हुआ है, एक्सेल शीट बनाई हुई है। हर क्लास में मैंने 2 बच्चे लिए हुए हैं, एक मेल एक फीमेल, तो टोटल 6 बच्चे हैं और 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। जब आप इन बच्चों की ये सारी डिटेल डाल देंगे तो एंड में आपने कैलकुलेट करना है कि बॉयज़ कितने हैं। जैसे यहाँ पे 3 बॉयज़ हैं तो 3 × 250 हो जाएगा 750, और गर्ल्स कितनी हैं, नंबर ऑफ़ आईआरडीपी गर्ल्स एट द रेट ऑफ 500, 3 लड़कियाँ हैं तो 3 × 500 1500 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 750 प्लस 1500 2250। तो हमें ये डिमांड भेजनी है कि आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम की बजट डिमांड हमारी ये बन रही है और साथ में ये एक्सेल शीट भेजनी होगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम से रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं जैसे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन और एक्सेल शीट जो बजट डिमांड की आपने बनानी है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल रहेगी। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और भी डिटेल में इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। साथ में आपको आई बटन टॉप पे लिंक शो हो रहा है, अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप इस आई बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको YouTube में सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें तो आप बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।